हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग सामाजिक विज्ञान के ही क्वेश्चनों को देखेंगे और यह 2023 का सेकंड पाली का पेपर है। हम लोगों ने फर्स्ट पाली के क्वेश्चनों को कर लिया था जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किए थे, और इस 2023 में फर्स्ट पाली में के 80 ऑब्जेक्टिव और सेकेंड पाली का 80 ऑब्जेक्टिव दोनों को कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा। आप सभी सेकेंड पाली के क्वेश्चनों को देखते हुए चलें और यहाँ पर देखेंगे, और इसका आंसर आप लोग लाइव चैट में जल्दी से बताते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे, पहला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? किस गवर्नर के शासनकाल में? लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डॉफरिंग? आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ था। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में लॉर्ड लिटन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आप सभी जानते हैं ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? कितने 1780 में, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था किसके समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग बता दिए कि ऑप्शन बी होगा, लेकिन तब भी इसके जो भी रिलेटेड बातें हैं उसको समझते हुए चलेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो 1878 किसके समय, तो लॉर्ड लिटन के समय। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी। ये सारे ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे, रिलेटेड पूछेगा। 15 से 20 हम बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, ठीक है, आएगा तो आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू। याद रखेंगे, भारत के सबसे प्रथम आईएएस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर तो आपको हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने सीखा क्या, इसमें ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? सबसे पहले आप सभी से पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, चौरी चौरा हत्याकांड क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि 4 फरवरी को, इस घटना को हम समझा दे रहे हैं, आराम से समझिए पहले बात को। 4 फरवरी को क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन का समर्थन में आंदोलनकारी जो थे चौरी चौरा में आंदोलन कर रहे थे। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, मैं लिख दे रहा हूँ 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन कर रहे थे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के स्थानीय पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया, और वहाँ आंदोलनकारियों में क्या हो गया कि एक आक्रोश की भावना आ गई, जिससे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को गोरखपुर के पास यहाँ पे चौरी चौरा में 22 पुलिस कर्मियों को चौरी चौरा जेल में जिंदा जला दिया, और इसी को चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसी के 7 दिन बाद, यानी याद रखेंगे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा से नहीं अहिंसा से ही किसी आंदोलन को क्या करते थे। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? मेजनी, अब्दुल गफार खान या सी गोपालचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप सभी जानते हैं खान अब्दुल गफार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। आप सबसे पूछे कि लाल सेना का गठन किसने किया, तो याद रखेंगे टॉस्टेकी ने किया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को, लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई? आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, ये सभी के सभी प्रश्न जो है हम लोगों ने ऑनलाइनर में पढ़ा है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? एक पहला ऑप्शन है 1916 1918 1920 1922। तो आप सभी जानते हैं 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन स्टैचू कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं बता रहा हूँ, आपके
मोबाइल में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर देंगे और एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बताएं इंडियन स्टैच्यूज कमीशन को किस कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था। और इस साइमन कमीशन के गठन 1927 ईस्वी में हुआ और यह जो भारत जो आया था वो याद रखेंगे 3 फरवरी साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। और जैसे ही मुंबई के बंदरगाह पर आया था तो वहाँ पे इसका स्वागत लोगों ने हड़ताल और मतलब कई तरह से हड़ताल या काले झंडे से दिखा करके इसका स्वागत किया और एक नारा दिया साइमन गो बैक, याद रखेंगे साइमन गो बैक का नारा दिया, साइमन वापस जाओ। क्योंकि इसमें जो 7 सदस्यीय टीम बनी थी, इस 7 समिति का गठन हुआ था, इसमें कुल मेंबर कितने थे साइमन कमीशन में, 7, या इंडियन स्टैच्यू कमीशन एक ही नाम है, इसमें 7 सदस्य और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन साइमन थे। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैच्यू कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन साइमन। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बातों को बताया उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्वेज नहर कब खोला गया, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर जल्दी से देंगे, 1928 या 1969 या 1914 या 1900 यहाँ पर कितना है 24 ईस्वी, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी को क्या हुआ, खोला गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत में प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऑनलाइनर का क्वेश्चन है, मैंने ऑनलाइनर में सारे के सारे प्रश्न करा दिए, अगर आप ऑनलाइनर देख लेते हैं तो आपकी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है, पक्का गारंटी के साथ है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या अहमदाबाद, तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर क्या जानते हैं कि कलकत्ता में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए थे, ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है, मतलब कौन सा विशेष रूप से व्यापारियों के लिए खाता है, तो आप सभी इसका आंसर क्या जानते हैं, अस्थाई जमा या चालू जमा या संचयी जमा या आवर्ती जमा, इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, तो सभी जानते हैं कि चालू जमा जो होता है व्यापारियों के लिए एक खाता खोलता है। 10वां नंबर प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी क्या जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी औद्योगिक क्रांति में किस मार्क का प्रयोग किया जाता है, एंग मार्क या होल मार्क या SISI मार्क या इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी जानते हैं उत्पादन की गुणवत्ता के लिए SI मार्क का उपयोग किया जाता है, होल मार्क सोने की शुद्धता के लिए, आप सभी को ऑनलाइन बताया गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अंग मार्क से किस किस मतलब गुणवत्ता को मापा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, ISI मार्क के द्वारा उद्योगों उत्पादन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2023 के प्रथम पाली में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी बताएंगे कि यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इस पेपर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और पिछले पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किन में बदल दिया गया, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया, पहला विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धन क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष विकास क्षेत्र में, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, पहला छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी,
ए और बी, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जानते हैं, छिपी बेरोजगारी जो है, छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हैं और 15 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कब की, तो याद रखेंगे 8 नवंबर 1916 ईस्वी को नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ठीक है, या वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करता है वो, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा RBI, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे तमिलनाडु में इंदौर बंदरगाह पाया जाता है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, इसको हम लोगों ने ऑनलाइनर में किया था, बताएंगे आप सभी क्या है, भागलपुर है या मुंगेर या जमुई या कांटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी, नर्मदा या कावेरी या रिहंद। आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे तो आप सभी जानते हैं कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। भूकंपीय 21 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है, केंद्र पर या अधिकेंद्र पर या ठोस आंतरिक कोर पर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप क्या जानते हैं, केंद्र पर भूकंपीय लहरें जो होती है उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है, निम्न में से कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र है, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या एनीमोमीटर या थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप तरंग की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण या मिट्टी में क्षय के कारण या मिट्टी की लवणता के कारण या चट्टानों को खिसकने के कारण। तो आप सभी जानते हैं कि जल के अभाव या पिछले 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा था यही क्वेश्चन कि सुखाड़ आता है वर्षा की कमी के कारण भी दे सकता है। तो याद रखेंगे जल के अभाव के कारण या वर्षा की कमी के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से 24 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावी होता है, वलित पर्वत क्षेत्र या भूपटलीय दरार के क्षेत्र या महासागरीय गत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है ना भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1779, 1804, 1871 या 1817। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना, कार्बोनरी डायट या जालवेरिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे, ये मात्र एक ऐसा प्रश्न है जो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में आया हुआ है। मेजनी का संबंध किस संगठन से, तो याद रखें कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न हम लोगों ने ऑनलाइनर में। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जोना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम किए थे और देखिए एग्जाम में आया हुआ है, इटली, जर्मनी, रूस या ग्रेट ब्रिटेन। तो आप सभी क्या जानते हैं कि जर्मनी में जेना विश्वविद्यालय है। ठीक है, कोथुस का संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, पोलैंड या हंगरी। तो आप सभी जानते हैं कि हंगरी से कोथुस का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, 1861, 1867 या 1905 या 1917 ईस्वी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देंगे 1905 ईस्वी में ड्यूमा का गठन हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस संधि के तहत, मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किस संधि के तहत
रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। फ्रैंकफर्ट की संधि, वेस्ट लिटोवस की संधि, या वर्साई की संधि, या पेरिस की संधि, सभी के सभी महत्वपूर्ण है, आप सभी बताएंगे। तो याद रखेंगे वर्साई की संधि के बाद जो था रूस जो है प्रथम युद्ध विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इस क्वेश्चन को भी किया गया था, पहला सेठ साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगेल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो थे, समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या पेंट्स एडम की घोषणा का उद्देश्य था। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है जापान की आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम का स्वतंत्रता, या जर्मनी की एकीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी क्या जानते हैं कि जापान का आत्मसमर्पण ही था, पोट्सडम की घोषणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया, सैमसंग, इन्फोसिस या फोर्ड मोटर्स। तो आप सभी 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जानते हैं कि इन्फोसिस जो है भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या विनिर्माण क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को मिलता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, तो तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय होता है, कृषि क्षेत्र प्रथम होता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से कौन से क्षेत्र में देखा गया, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार, बैंक, या उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, रोजगार क्षेत्र में देखा गया। 36 नंबर क्वेश्चन देंगे, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई, 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, या 2400 कैलोरी, या 2600 कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं 2400 कैलोरी निर्धारित की गई, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे चीनी उद्योग, चमड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, या वस्त्र उद्योग। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखेंगे, पीसी महालनिवास, या दादा नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन पी मार्शल, या प्रो किन्स। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को जो राइटर है वो है दादा भाई नौरोजी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी विधि के अंतर्गत उत्पादन अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, आय विधि, आय व्यय विधि, या मूल्य विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं आय विधि के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, 1975, 1980, 1969, या 1982 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इस सारे के सारे प्रश्न ऑनलाइनर में के हैं। ठीक है, आप लोग ऑनलाइनर सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करेंगे, उसको कर लेने के बाद आपके 40 में 40 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन के आएंगे। ठीक है, शुरू के 40 में 40 बना कर आएंगे, पूरा उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या समाजवादी पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आजादी के समय ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, या भारत। आजादी के समय से ही किस देश की सरकार में लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो आप सभी जानते हैं भारत में है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, बताएंगे आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, या राजेंद्र प्रसाद।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए बताएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोह आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल छाप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? आप सभी बताएंगे समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार या स्थानीय शासन या शिक्षा का अधिकार। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से जो अनुच्छेद 40 संबंधित है। ठीक है, वेस्ट इंडीज, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? बताएंगे 1958 या 1962 या 1973 या 1975। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संघों का एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो पहला है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर भारत हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स बहुमत का गठन किया? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय या डेनिश भाषी समुदाय में। बताएंगे किसमें ब्रुसेल्स बहुमत का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं फ्रेंच भाषी समुदाय में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन कहा जाता है? क्षैतिजीकरण, समानांतरीकरण, ऊर्ध्वाधरीकरण या इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऊर्ध्वाधरीकरण। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है? जल्दी बताएंगे, गृह मंत्रालय, राज्यपाल, सरपंच या महापौर। इस प्रश्न को हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखे थे, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महापौर जो होते हैं नगर निगम के प्रमुख होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, व्यापार या पुलिस या शिक्षा। तो आप सभी जानते हैं शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रवादियों के यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1952 या 1995 या 1998 या 1999। तो इस प्रश्न का आप सभी सही जवाब देंगे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 ईस्वी में राष्ट्रवादियों की यूके सरकार के बीच समझौता हुआ। 54 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के किस राजा ने प्रजापति शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र या गिरिजा प्रसाद कोइराला या ऑप्शन सी है राजा ज्ञानेंद्र या राजा महेंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे आप सभी, तो राजा ज्ञानेंद्र ने ही क्या प्रजापति शासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक या अधिनियमवाद या लोकतंत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समकालीन, यानी इस समय विश्व के सबसे लोकप्रिय जो है लोकतंत्र है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या इंग्लैंड। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन में जो है एक दलीय प्रणाली है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को कराया है, बताएंगे इब्राहिम रहीमतुल्ला या जे एम किस या जमशेदजी टाटा या घनश्याम बिरला। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम रहीमतुल्ला ने किसका स्वराज आयोग का गठन किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948, 1956 या 1990 या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई पहली बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 59 नंबर,
इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, अमेरिका पर पड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, युद्धोत्तर यहाँ पर 60वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक या फेडरल बैंक। तो आप सभी जानते हैं विश्व बैंक की क्या की गई, गठन की गई, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की बताएंगे डॉलर, पाउंड, रूबल या यूरो। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरो है। ठीक है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या मनमोहन घोष। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र का क्या की, शुरुआत की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों की पुनः स्थापना करना, लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना या राज्य तंत्रों को पुनः स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजतंत्र की पुनः स्थापना करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। 64 नंबर देखेंगे, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान या मिस्र। इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि यूनान का निवासी था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ प्रश्न है, केकरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर देंगे ऑप्शन बी, कर्नाटक में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान या मेघालय। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही भूगोल के फर्स्ट लेसन में इस चैप्टर को देखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में, कहाँ पे है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? रबड़, चाय, गन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे गन्ना जो है रोपण फसल का उदाहरण है, यानी 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी बताएंगे ऑप्शन डी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करता है? चना, मटर, मूंग या राजमा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजमा जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थितीकरण नहीं करता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? यह क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, भारतीय खाद्य नियम, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दे रहे हैं, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बफर स्टॉक बनाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? भद्रावती, दुर्गापुर, सलेम या बर्नपुर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे भद्रावती में IISCO की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई या गोरखपुर। तो मध्य रेलवे की अगर बात करते हैं तो याद रखेंगे आप सभी की गोरख कहाँ पे है, मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी क्या जानते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है ये इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? याद रखेंगे पहला ऑप्शन है ब्रूटलैंड आयोग, ब्रिटेन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग या जिनेवा आयोग। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? खादर, बांगर, लेटेराइट या इनमें से कोई नहीं।
तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। बांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मृदा होता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? तो बांगर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 1980, जुलाई 1985, या सितंबर 1987, या अक्टूबर 1990? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, सितंबर 1987 ईस्वी को प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई थी। जिम कॉर्बेट, यहाँ पर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड या गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, उत्तराखंड में। कहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या टिम्बू से खोवा? तो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे ऑप्शन डी, टिम्बू से खोवा में सबसे छोटा देव मंडल रिजर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, Q9 का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में या टीवी में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलेरिया में, ठीक है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परीक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 16, 18, 20 या 23? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित की गई? शिव समुद्र या देहरादून या शिमला या दार्जिलिंग? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि दार्जिलिंग में भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 80% है, आप सभी को बताएंगे कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे WhatsApp चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे या WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन होकर के टेलीग्राम पे सारे PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन इसके भी वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बताएंगे इसमें कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपने कर पाया, 80 में से कितने का जवाब दे पाए, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी अपने ध्यानपूर्वक याद रखेंगे और यही